मेरी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग को फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में व्यू कैसे बनाते हैं इसकी जानकारी देंगे। ये फिगर आप देख रहे हैं, इस फिगर में हम देख रहे हैं कि अगर ये सवाल कहता है कि ये फिगर जो है इसमें कह रहा है कि फास्ट एंगल प्रोजेक्शन, तो फास्ट एंगल प्रोजेक्शन में आप टॉप फ्रंट साइड का व्यू कहां बनाइएगा इसकी हम जानकारी दे रहे हैं। पहला हम क्या देखते हैं, अगर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में है तो फर्स्ट एंगल के बारे में हम जान लेते हैं। पहला आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन जो है वो उल्टा प्रोजेक्शन है, ठीक, तो उल्टा है। दूसरा हम दिमाग में रखेंगे कि जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है तो टॉप का व्यू, तो टॉप तो हमारा इस फिगर में जो है इधर रहेगा, तो टॉप का जब व्यू बनाएंगे तो उल्टा प्रोजेक्शन है तो टॉप उल्टा क्या होता है बॉटम, तो टॉप का उल्टा जो है ये बॉटम रहेगा। तो जब ये बाबू बॉटम हुआ तो बॉटम में हमारा जो कोऑर्डिनेट है, मान लीजिए हम कोऑर्डिनेट यहाँ से ले रहे हैं, तो इस तरह से आप जब बनाते हैं कोऑर्डिनेट तो ये हमारा कोऑर्डिनेट जो ड्राइव कोऑर्डिनेट है ये बनाने के लिए बताया गया है वीडियो में, आप प्रीवियस वीडियो देख करके इसको जानकारी ले सकते हैं। आप बताइए तो टॉप का उल्टा बॉटम, बॉटम में हमारा जो कोऑर्डिनेट आ रहा है ये आपको ये दोनों आ रहा है, बॉटम में हमारा जो आएगा ये तीसरा और चौथा कोऑर्डिनेट आएगा, ये दोनों कोऑर्डिनेट आएगा। ये पॉइंट नंबर एक में आपको दिमाग में रखना है कि टॉप का जब भी व्यू बनाएंगे तो बॉटम में बनाएंगे, तीसरा या चौथा कोऑर्डिनेट बनाएंगे तो टॉप यहां बन सकता है या तो यहां बन सकता है, ये पूरा कॉन्सेप्ट पॉइंट नंबर एक क्लियर। दूसरा पॉइंट में हम देख रहे हैं कि इसमें क्या है कि फ्रंट, अब फ्रंट का व्यू, तो फ्रंट का जब हम व्यू बनाएंगे तो फ्रंट हम लोग ग्राउंड पर से देखते हैं, तो ग्राउंड पर से जब देखेगा आदमी तो ये देखे तो ग्राउंड पर से देखेगा तो इसका अपोजिट जो होगा उल्टा होगा एभग, तो जब ये एभग हो गया तो हम लोग एभग में क्या देख रहे हैं कि एभग हमारा ये क्वाड्रेंट आ गया और ये क्वाड्रेंट आया, यानी हम फ्रंट का जब भी व्यू बनाएंगे तो फर्स्ट या दूसरा क्वाड्रेंट में बनाएंगे, फर्स्ट या दूसरा क्वाड्रेंट बनाएंगे ये दिमाग में रखना। इसके बाद तीसरा हम देख रहे हैं साइड का, तो साइड हमारा दो तरह से होता है, एक तो हमारा लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड का उल्टा हम देख रहे हैं तो लेफ्ट साइड का है उल्टा क्या होगा राइट क्वाड्रेंट, तो राइट क्वाड्रेंट जब होगा तो राइट क्वाड्रेंट हम लोग देख लेते हैं कि कौन होता है, तो राइट क्वाड्रेंट जब हम देखेंगे तो देखिए तो ये राइट क्वाड्रेंट ये हो गया, यानी इसका जो व्यू है फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। ये सवाल आता है कि अगर वास्तु के लेफ्ट साइड से देख रहे हैं तो साइड का व्यू कहां बनाएंगे तो फर्स्ट में बनाएंगे। अब इसके बाद एक और आ गया राइट साइड, अगर वास्तु को राइट साइड से देख रहे हैं तो राइट साइड से हम वास्तु को देखेंगे, ये राइट साइड हो गया, अब इसमें हम देख रहे हैं इसका उल्टा राइट का होता है लेफ्ट, तो ये हमारा लेफ्ट हो गया, तो जब लेफ्ट साइड हो गया तो लेफ्ट क्वाड्रेंट में जो बनाएंगे तो लेफ्ट लेफ्ट क्वाड्रेंट, अब हम क्वाड्रेंट में देख रहे हैं कि लेफ्ट क्वाड्रेंट क्या हो गया दो, तो ये हमारा जो है दूसरा क्वाड्रेंट में बनेगा। अब इसमें एक नोट की है विशेष जो बात है उसको हमको ध्यान में देना है, तो नोट में क्या हो गया कि फ्रंट, तो फ्रंट हो गया और, तो फ्रंट और टॉप हमारा जो है ये हमेशा वर्टिकल में रखते हैं, वर्टिकल का मतलब है कि एक दूसरा के ऊपर 90 डिग्री पर, यानी एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री पर तभी वर्टिकल रह सकता है। आप लोग देखते होंगे कि हम लोग जब भी होली वगैरह में मटके वगैरह फोड़ते हैं तो आदमी के एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री पर आता तब फूटता है, अगर हॉरिजॉन्टल में 1000-2000 हम काम कर दे 1000-2000 भी लगा दे तो संभव नहीं है, तो वर्टिकल का मतलब स्पष्ट मत ये डायरेक्ट ऊपर 90 डिग्री पर होना चाहिए, आउट साइड नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हो गया, तो पहला हमको पॉइंट रख लिया टॉप का व्यू बॉटम में बनाया, फर्स्ट एंगल की बात हो रहा है, फ्रंट का व्यू एवं में बनेगा पहले या दूसरा क्वाड्रेंट में, साइड का व्यू बनेगा तो साइड पे लेफ्ट साइड से वास्तु को देख रहे हैं तो राइट क्वाड्रेंट में, आप राइट साइड से वास्तु को देखेंगे तो लेफ्ट क्वाड्रेंट में, और ये हमको दिमाग में रखना है कि टॉप और फ्रंट का व्यू जो है वो हमेशा वर्टिकल बनेगा।
अब इसके बाद देखिए ये फिगर, अब ये फिगर जब देख रहे हैं यहां पे, तो ये देखिए तो मान लिया कि यहां कोई साइड ले लेता है, तो जब यहां से साइड कोई ले लेगा तो ये लेफ्ट साइड है, तो जब लेफ्ट साइड हो गया तो ये तो अपने आप फ्रंट हो गया, तो ये हमारा जो है फ्रंट हो गया और ये ऊपर से टॉप हो गया, तब साइड में ये नजर आ गया, फ्रंट में ये नजर आ गया और टॉप में ये नजर आ गया। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जब लेफ्ट साइड का व्यू हम काम करेंगे तो लेफ्ट साइड का हम कहां प्रोजेक्शन व्यू बनाएंगे, तो लेफ्ट साइड का उल्टा क्या था राइट, तो देखिए तो लेफ्ट साइड का राइट कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट नंबर एक में तो यानी जब वस्तु को हम लेफ्ट साइड से देख रहे हैं तो कोऑर्डिनेट का हमारा एक में इसमें साइड व्यू बनेगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब दूसरा पॉइंट आ रहा फ्रंट, तो कह रहा है कि फ्रंट, तो फ्रंट हम इसमें देखें तो फ्रंट ए1 में बनेगा एक या दो में, लेकिन इसमें हम क्या कहें कि फ्रंट जब भी बनेगा तो टॉप और फ्रंट वर्टिकल होना चाहिए, तो फ्रंट ऊपर तो बनेगा लेकिन टॉप और फ्रंट वर्टिकल, तो कहने का मतलब है कि फ्रंट हम लोग ऊपर बना रहे हैं तो इसमें बन गया। अब ये जब फिगर आ गया तो फ्रंट ऊपर बन गया, इसका डायरेक्ट नीचे जो है ये हमारा वर्टिकल जो आएगा तो टॉप इसमें बनेगा। तो इस तरह से ये वास्तु कब बना, जब वास्तु को हम जब लेफ्ट साइड से देखेंगे तब ये स्थिति आया, लेफ्ट साइड से देखेंगे तब ये स्थिति आया। एक और हमारा स्थिति आ सकता है, अगर वास्तु को कोई भी इंसान है वास्तु का अगर वो राइट साइड से देख रहा तो वास्तु को राइट साइड से देखेगा तब क्या स्थिति आएगा, तो राइट साइड से देखेंगे तब ये स्थिति देखिए, तो जब इसमें हम देखेंगे तो ये देखिए मान लीजिए कोऑर्डिनेट हो गया। अब इसको हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं, तो राइट साइड से देख रहा तो वास्तु साइड यहां आ गया, इसके बाद ये फ्रंट हमारा यहां आ गया। अब वास्तु राइट साइड से देख रहे हैं तो राइट साइड वाला हमारा जो है लेफ्ट कोऑर्डिनेट पे, तो कोऑर्डिनेट नंबर दो में यहां साइड बनेगा दूसरा में, तो साइड दो इसमें बनाएंगे। अब बोला फ्रंट, तो फ्रंट हमारा इधर बनेगा, तेरह में ये फ्रंट हमारा आ गया, तो इस तरह से हो गया फ्रंट और टॉप हमारा काम आ गया, तो टॉप हमारा फ्रंट का टॉप वर्टिकल होना चाहिए, तो फ्रंट का वर्टिकल जो है टॉप यहां आ गया, तो इस तरह से कंप्लीट हुआ। जब वास्तु को लेफ्ट साइड से देखेंगे तो साइड व्यू क्वाड्रेंट नंबर एक में, फ्रंट व्यू दो में, टॉप व्यू थ्री में, ये हमारा चार व्यू खाली रहेगा, ये इमेजिनरी है, इसमें हम लोग करेक्शन जांच करेंगे सारा पहले लाइन भी करके। दूसरा स्थिति क्या, अगर वास्तु को राइट साइड में देख रहा फर्स्ट एंगल में, तो इसमें देखिए साइड व्यू दो में बना, फ्रंट व्यू एक में बना, टॉप व्यू ये बना चौथा में, और ये हमारा खाली है, ब्लैक है, ये इमेजिनरी है। इस तरह से हम कंप्लीट देख रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो फर्स्ट एंगल में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद थर्ड एंगल का वीडियो जल्दी अपलोड होगा, तब तक आप देखिए, स्वस्थ रहिए, मेरे चैनल देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।